को दिखाया तो बुरा मान गए। चीफ जस्टिस ने तामीरों तरक्की और गुड गवर्नेंस के दावे करने वालों से एक बुनियादी सवाल क्या पूछा के जवाब देने के बजाय अदलिया पर चीखने चिल्लाने लगे। एक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जवाब तलब करते हुए कहा कि 10 साल दौरे हुकूमत में साफ पानी की फराहमी के लिए पंजाब में कुछ नहीं किया गया। चीफ जस्टिस के सवाल पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब से तो कोई जवाब न मिला, अलबत्त मरकजी वजीर दाखिले एहसन इकबाल ने ट्विटर पर भी जवाब देने की कोशिश की। एहसन इकबाल ने लिखा कि इज्जत माप चीफ जस्टिस साहब, पंजाब के लोग आइंदा आम इंतखाबात में हुकूमत की कारकर्दगी को जांच लेंगे। आप इलेक्शन से पहले इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? क्या अदलिया एक सियासी जमात है? इमरान खान और आसिफ अली जरदारी ऐसे बयान दे सकते हैं? एहसन इकबाल ने मजीद लिखा कि अदलिया का सियासत की नजर होना सबका मुश्तरका नुकसान होगा। सियासी मुबसरीन का कहना है कि चीफ जस्टिस आम आदमी को बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमाओं को चीफ जस्टिस के सवालात पर अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए, इन सवालात पर चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए।